चक्रवाती तूफान फाइलिन तेजी से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान शनिवार को 205 से 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा में गोपालपुर के नजदीक पहुंचेगा। इस जबरदस्त तूफान और उससे तबाही की आशंका के चलते दोनों राज्यों में हाई अलर्ट किया गया जारी। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेनाओं को किसी भी वक्त ओडिशा और आंध्र प्रदेश जाने के लिए तैयार रहने को कहा। सेना और वायुसेना के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी पूरी तरह मुस्तैद। आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री एन रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि तटीय इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आपात दलों को पूरी तरह मुस्तैद रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के विभाजन के प्रस्ताव के खिलाफ अनशन कर रहे तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू को हटाया गया। टीडीपी नेता को आंध्र भवन से निकालने में पुलिस को कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का करना पड़ा सामना। तेलंगाना पर मंत्री समूह की आज पहली बैठक में आंध्र प्रदेश के बंटवारे से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सभी पक्षों से राय लेने का फैसला किया गया। मंत्री समूह की अगली बैठक 19 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि मंत्री समूह ने आंध्र प्रदेश की चिंताओं पर निष्पक्षता एवं तटस्थता से विचार करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि मंत्री समूह अलग राज्य गठित करने के बुनियादी मानकों पर विचार विमर्श करेगा। विवादों से घिरे उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को आज फिर से अखिलेश यादव मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। राज्यपाल बीएल जोशी ने आज लखनऊ में राजभवन में रघुराज प्रताप सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शेयर बाजार में देखी गई बढ़त, सेंसेक्स आज 256 अंक की मजबूती के साथ 20,529 अंक पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 75 अंक की बढ़त के बाद 6,096 अंक पर पहुंचा। इस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW को दिया जाएगा। OPCW दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करती है। शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाने वाली 16 वर्षीय स्कूली छात्रा मलाला यूसुफ जई को भी दावेदार माना जा रहा था। मलाला को तालिबानी आतंकियों ने गोली मार गंभीर रूप से कर दिया था घायल। सचिन तेंदुलकर के 200वें टेस्ट के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास लेने की खबर से भारतीय मुक्केबाज भी आहत। विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों में लगे भारतीय मुक्केबाजों का मानना है कि मास्टर ब्लास्टर द्वारा भारतीय क्रिकेट को दी गई उपलब्धि अनमोल है। अरुणाचल प्रदेश की दो नाबालिग तीरंदाजों को दिल्ली के हवाई अड्डे पर चीन की यात्रा पर जाने से रोका गया। दोनों ही तीरंदाज चीन के वुजी में होने वाली विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रही थी। इन दोनों ही तीरंदाजों को चीन की ओर से नत्थी वीजा जारी किया गया था।